For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हाल ही में आया अजय देवगन का बर्थडे और सलमान खान ने दे दी उन्हें बर्थडे पर एक एडवाइस. क्या एडवाइस दी है, चलिए आपको बता देती हूँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा. बात की जाए अगर अजय देवगन और सलमान खान की दोस्ती की, तो उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है. जी हाँ, हम दिल दे चुके सनम से लेकर लंदन ड्रीम्स तक और फिर अब तक ये हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं और काफ़ी बार अवार्ड फंक्शन से लेकर स्टेज शोज तक, साथ ही साथ रियलिटी शोज में भी काफ़ी बार मिलते हैं मूवी प्रमोशंस के दौरान. ऐसे में हाल ही में अजय देवगन का बर्थडे आया जहाँ पर सलमान खान ने उन्हें कुछ इस अंदाज में विश किया. उन्होंने ट्विटर पर अजय देवगन को टैग करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे अजय, एंड साथ ही साथ लिखा स्टे सेफ. जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने स्टे सेफ रहने की भी हिदायत दी थी, क्योंकि जिस तरीके से जिस माहौल में अजय देवगन का बर्थडे आया है वो सेलिब्रेट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है. जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात है, माहौल है, कोरोना वायरस के चलते COVID-19 आप कह लीजिए, उसके वजह से कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता. सब पूरा देश, रादर आई शुड से पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रखी है. ऐसे में सलमान खान ने बर्थडे विश तो किया ही और साथ ही साथ किया स्टे सेफ. सलमान खान की इस ग्रेट विश पर आप अजय देवगन को विश करना चाहेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर विश कीजिए. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ. जब से कोरोना वायरस और COVID-19 को लेकर डोनेशंस शुरू हुए हैं, तब से हर कोई शाहरुख खान पर उंगलियां उठा रहा था कि शाहरुख आखिर है कहाँ, शाहरुख ने अभी तक कोई डोनेशन क्यों नहीं की है. लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान ने डोनेशंस कर दी हैं और जिस तरीके से शाहरुख ने एंट्री मारी है, यहाँ पर सभी ट्रोलर्स के मुंह पर तमाचा जड़ चुके हैं शाहरुख. जी हाँ, चलिए आपको बताती हूँ शाहरुख कहाँ कहाँ पर शाहरुख ने किस हद तक डोनेशंस की हैं. सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीएम केयर फंड की. जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीफ फंड जो कि उन्होंने जारी किया है, वहाँ पर तमाम एक्टर्स जो हैं वो अपने अपने डोनेशन कर रहे हैं. वहाँ पर शाहरुख खान ने डोनेट किया है. उसके अलावा शाहरुख खान ने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में भी डोनेट किया है. प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन जो महाराष्ट्र रिलीफ फंड है वो सिर्फ महाराष्ट्रियंस और मुंबईकर्स और महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, जितने भी जगह है, उनसे रिलेटेड है. उसके अलावा बात की जाए तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि PPE जो कि डॉक्टर्स को नहीं अवेलेबल हो पा रही है, वो अवेलेबल कराने का जिम्मेदारी शाहरुख खान ने अपने जिम्मे लिया है. जी हाँ, उसके अलावा बात की जाए एक साथ द अर्थ फाउंडेशन एक साथ को भी शाहरुख खान डोनेट करने जा रहे हैं. तमाम बड़ी रकमें शाहरुख जो हैं डोनेट करने जा रहे हैं इन सभी जगहों पर. उसके अलावा रोटी फाउंडेशन, उसके साथ साथ वर्किंग पीपल्स चार्टर यानी कि जो भी वेज वर्कर्स हैं, सिनेमा के वेज वर्कर्स हैं, उसमें से 2,500 वर्कर्स का 3 समय का खाना 3 समय का मील उनको बराबर से बराबर पहुंचाएंगे. 3 लाख मील किट्स जो हैं वो बांटी जाएंगी शाहरुख खान की मील फाउंडेशन के जरिए. उसके अलावा सपोर्ट फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जी हाँ, यानी कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी शाहरुख खान जो है वो खाना पहुंचाने वाले हैं और उनकी पूरी टीम इस बात का ध्यान रखेगी कि जितने भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फूड और जो भी बेसिक ग्रॉसरी आइटम्स हैं, मेडिकल हेल्प है, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इन सभी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी और इन सभी फाउंडेशंस में बड़ी डोनेशंस की गई हैं शाहरुख खान के जरिए. तो शाहरुख खान ने एंट्री ली है एंड हाउ, दैट्स व्हाट यू कॉल अ ट्रू स्टारडम, अ ट्रू स्टार. तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है, या आप मुझे कॉमेंट्स करके बताइए. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ. राधे की शूट बहुत समय से रुकी हुई है. ऐसे में राधे के क्रू मेंबर ने कर दिया है एक बड़ा खुलासा सलमान खान को लेकर. क्या कहा है, चलिए आपको बता देती हूँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक. बात की जाए अगर सलमान खान की राधे की, तो जब से कोरोना वायरस का ये पैंडमिक सिचुएशन आया है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ऐसे में फिल्म्स की शूटिंग जो है वो रुक गई है और राधे को भी काफ़ी नुकसान हुआ है इसके चलते. लेकिन एक गोल्डन हार्ट जिसे कहा जाता है वो सलमान खान का है, जिसके चलते सलमान खान ने सारे क्रू मेंबर्स के अकाउंट में पूरे महीने का पैसा डिपॉजिट कर दिया है विदाउट हैविंग द शूट्स. यस, ये बात खुद सलमान या फिर किसी और ने नहीं, या फिर उनकी किसी पीआर स्ट्रैटेजी ने नहीं, बल्कि ये बात बताई है खुद एक क्रू मेंबर ने जो सलमान की टीम के साथ काम करते हैं, जो कि राधे फिल्म में एज अ क्रू मेंबर काम कर रहे थे. और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि सलमान खान ने जो है वो राधे के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं सबके अकाउंट्स में पूरे महीने का पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं सलमान खान, क्योंकि सलमान नहीं चाहते कि किसी को भी किसी भी नेसेसिटी के लिए अननेसेसरी यू नो सफ़र करना पड़े. तो पूरी की पूरी क्रू को पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं सलमान खान बिना शूटिंग के. शूट पूरी भी नहीं हुई, शूट आधी है, पूरे महीने कोई शूटिंग नहीं हुई, उसके बावजूद घरों तक पैसे पहुंच चुके हैं क्रू मेंबर्स के. तो इसे कहते हैं सलमान खान, इसे कहते हैं सलमान खान जिसको आप कहते हैं मैन विद द गोल्डन हार्ट.
स्टोरी पर आपकी क्या रिएक्शन है और ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस तरह के और तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज ज्योति नागर साइनिंग ऑफ। तेरी माँ की तेरी बहन की करोना गेट आउट फ्रॉम माय इंडिया माय वर्ल्ड। तेरी तो मैं बैंड बजाऊंगी ना करोना, तेरे से खतरनाक मैं हूं राकेश सावंत, समझ गया करोना क्या बच्चा है तू सबको सता रहा है करोना, तेरे से खतरनाक हूं मैं। अगर मैं तुझे खा गई ना तो तेरी चबा जाऊंगी, तुझे बैंड बजा दूंगी करोना के बच्चे। गेट आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट करोना। करोना घर में बैठा दिया है तूने मुझे, बोर हो रही मैं इतनी बोर, बेडरूम में टॉयलेट में किचन में बालकनी में बोर हो रही हूं मैं बोर। करोना तूने मुझे काम वाली बाई के बाई बना के रखा हुआ है। हाँ मैं कपड़े धोती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मेरा खाना जल जाता है, रोटी मेरी जल जाती है, मैं रोज जला हुआ खाना खाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, पोछा लगाती हूँ। करोना तेरी माँ की आंख निकल, बोर हो गई मैं, कब बाहर जाऊंगी, जिम जिम जाऊंगी, स्विगी से खाना खाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना कब खाऊंगी मैं, बाहर कब जाऊंगी, काम कब करूंगी। पूजा हेगड़े जो कि सलमान खान के साथ उनकी अगली फिल्म कभी कभी दिवाली में नजर आने वाली है, उन्होंने कर दिया है एक बड़ा खुलासा। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहर। बात की जाए अगर पूजा हेगड़े की, तो हाल ही में एक मीडिया पोर्टल से बात करते वक्त लाइव चैट सेशन के दौरान जब पूछा गया उनसे कि कभी कभी दिवाली को लेकर क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रिवील कर दी फिल्म के बारे में। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये ऑल एंड आउट एक रोमांटिक फिल्म है। जी हाँ, अभी तक हमें लग रहा था एक ड्रामा फिल्म है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें कि पूजा और सलमान एक साथ नजर आएंगे। जब साजिद नाडियाडवाला ने पूजा को कॉल करके बताया कि आप इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो सबसे पहले तो पूजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और साथ ही साथ पूजा ने ये भी बताया कि जब फिल्म मेरे पास आई तो साजिद ने बताया कि ये एक लव स्टोरी है जहाँ पर लड़की का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, लड़की का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके साथ साथ ये एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है, लव स्टोरी है सलमान खान के साथ। लेकिन इस लव स्टोरी को टेंशन वाले वे में या स्ट्रेसफुल वे में या दुखद घटनाएं नहीं दिखाई जाएंगी, ये लव स्टोरी ऐसी होगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के वे से लव स्टोरी को दिखाया जाएगा। यानी कि ये एक कॉमिक ड्रामा होने वाली है। जी हाँ, यानी कि आपको उसमें एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लव स्टोरी विद एन एंटरटेनमेंट, यानी कि ये एक लव ड्रामा कॉमिक फिल्म है, साथ ही साथ रोम कॉम आप कह सकते हैं, ऑफकोर्स जैसा कहा जाता है रोम कॉम फिल्म होने वाली है। और उसके साथ साथ ये फिल्म पूजा और सलमान के लिए तो पहली फिल्म होने ही वाली है एक साथ, लेकिन आसिम रियाज बिग बॉस सीजन 13 के जो के हैं रनर अप रह चुके हैं, उनको भी ये फिल्म ऑफर हुई है और साथ ही साथ वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। साथ ही साथ पूजा ने ये भी बताया कि ये जो फिल्म है जिस तरह का टाइटल है कभी कभी दिवाली, तो रिलीजियस बैकग्राउंड्स को लेकर इस फिल्म में एंटरटेनिंग वे में आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो बहुत सारी डिटेल्स जो है वो पूजा ने दे दी है। पूजा कहती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए, सलमान के साथ काम करने के लिए, एक रोमांटिक फिल्म में और ऊपर से एक लव स्टोरी है जिसमें हम सलमान खान को प्रेम का अंदाज़ हमें सलमान खान का बड़ा पसंद आता है, तो पूजा खुद भी बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए। और साथ ही साथ पूजा ने ये भी कहा कि मैं बस वेट कर रही हूँ कब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो और मैं इस फिल्म की शूटिंग शुरू करूँ। तो पूजा ने तो दे दी है बहुत सारी डिटेल्स, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कभी कभी दिवाली के बारे में, ये कॉमेंट्स करके मुझे बताइए। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। सूर्यवंशी जो कि इस साल 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी वो पोस्टपोन हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी न्यू रिलीज डेट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक।
बात की जाएगा कोरोना वायरस की, उसके चलते काफी फिल्म्स जो है वो भुगत रही हैं, जो कि रिलीज नहीं हो पा रही है, उनके रिलीज डेट जो निर्धारित किए गए थे उन पर। ऐसे में सूर्यवंशी सबसे पहला टारगेट बनती है, क्योंकि 24 मार्च को सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई। अब अगर आप बात करें, बुक माई शो एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप फिल्म्स को फिल्म्स के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। बुक माई शो हमेशा ही फिल्म रिलीज की एक एस्टिमेटेड डेट जो है वो डाल देते हैं, एस्टिमेटेड मंथ डाल देते हैं। ऐसे में अगर आपको याद हो, भारत जब रिलीज होने वाली थी तो डेट अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन बुक माई शो पर भारत की जब टिकट्स मिल रही थी वहां पर डेट रिवील हो चुकी। तो इस बार भी बुक माई शो पर अगर आप जाकर देखेंगे तो सूर्यवंशी की जो रिलीज डेट अब दिखाई जा रही है वो है दिसंबर 2020। जी हाँ, दिसंबर 2020 को फिल्म रिलीज होने की बातें बुक माई शो पर दिख रहा है, ये डेट लिखकर आ रही है। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं बुक माई शो की जो डेट्स होती हैं वो 99% एक्यूरेट होती हैं। ऐसे में प्रॉब्लम ये हो रही है, टेंशन ये हो रही है कि अगर बात ये सच है, अगर सच में दिसंबर तक फिल्म एक्सटेंड हो रही है, तो दैट मीन्स कि इस फिल्म को कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा झटका मिला है और फिल्म को रिलीज डेट नहीं मिल रही है थ्रू आउट द ईयर। अब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है, क्योंकि रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार फिल्म लेकर आ रहे हैं दिसंबर में, जबकि दिसंबर में ऑलरेडी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्लैशेस होना इस वक्त जायज़ हो चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जितना लॉकडाउन का फेज बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा जो है फिल्म्स पर असर पड़ता जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज़ अड्डा के साथ। मैं हूँ ज्योतिना, हाँ, साइनिंग ऑफ।